हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीटेक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर में आज हम क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, हार्डवेयर क्या होते हैं हमारे, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे, और उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे, चाहे एम एस ऑफिस हो चाहे एक्सेल हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मतलब आज के क्लास में हम लोग इतना पोर्शन कवर करने वाले हैं जिसकी मदद से आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम कंप्यूटर का हो इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। जैसे आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 30-40% 50% जो है आपका यहाँ से पेपर आ जाएगा। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन आपके सारे यहीं से पुट अप होंगे कंप्यूटर्स के। या फिर आप आईटी टूल्स का पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम 60-70 नंबर का पेपर यहाँ से आ जाएगा। बस आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर के बारे में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपकी लैंग्वेज लिखी हुई वो इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन मैं जो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले कि हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन कंप्यूटर के कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है, जो कई एक्टिविटीज़ करती है, परफॉर्म करती है, जैसे कि मैथमेटिकल एक्टिविटी हो गई, लॉजिकल एक्टिविटी हो गई और ग्राफिकल मैनिपुलेशन हो गया। ये सारी एक्टिविटी कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है। एक कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं और कार्य करने के बाद में एक साथ कार्य करती हैं और हर एक डिवाइस का कार्य अलग होता है, ठीक है। उसके बाद वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो इसके जो ऑपरेशन होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, वो तीन तरीके से ऑपरेशन ये परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले आपका जो होता है वो होता है इनपुट डिवाइस होती है आपकी, दूसरी आपकी प्रोसेस डिवाइस होती है और तीसरी आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। इनपुट जो होती है वो डेटा को रिसीव करती है, सबसे पहले इनपुट देती है या इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं। प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस पर प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर यूज करते हैं और रिजल्ट को आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक है यहाँ पे, डेटा क्या होता है। तो देखो, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे मैं बात करूँ कि मैंने बोला आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, ये एक इंफॉर्मेशन आपकी हो गई। तो यहाँ पर डेटा क्या है, डेटा है आई एम, ठीक है, गोइंग, ये जो है आपका डेटा है, ठीक है। तो डेटा बेसिकली होता क्या है, डेटा एक रॉ फैक्ट्स होता है जिससे मिल करके इन्फॉर्मेशन बनी होती है, जैसे कि कच्चा मटेरियल जिसको बोलते हैं, जैसे या कोई सिंबल या कोई आपका फिगर हो गया, ये सारे आपके रॉ फैक्ट्स होते हैं जिनके मदद से, जिनको मिला करके कोई इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक मकान बन रहा है, अब मकान बनने में हमें कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे आपके ब्रिक होने चाहिए, आपके पास मोरंग होनी चाहिए, तो ये सारी जो आप पार्ट्स होते हैं ये सब आपके क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल होते हैं। और जब इन सबको मिला दिया जाता है तब आपकी एक पूर्ण इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है कि ये मकान बन के तैयार हुआ है या फिर आपका स्कूल बन के तैयार हुआ है या कोई होटल बन के तैयार हुआ है, ये तो बाद में ही इन्फॉर्मेशन आती है। तो अब इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना आपके लिए आसान हो गया कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेस डेटा, जो जिसको एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज किया गया हो। तो इट इज़ अ डेटा दैट इज प्रोसीड एंड प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। अब ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा किसी भी तरीके से रख दोगे तो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया था ना, मैं जा रहा हूँ, अब ऐसे बोल रहा हूँ रहा हूँ जा मैं, तो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। तो इसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में ही रखना पड़ेगा। अब कंप्यूटर में आपके प्रोग्राम्स होते हैं, थर्ड टर्म आपका प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर में दिए जाते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन पे हमारा आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए गिवन टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम क्या होगा हमारा, जैसे हमें दो नंबर ऐड करने हैं तो हमने एक प्रोग्राम बना दिया ए प्लस बी, हमने ये प्रोग्राम बनाया इंट। तो ये प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आपको पहला नंबर इनपुट करना है, फिर दूसरा नंबर इनपुट करना है, उन दोनों को सम कर देना है, तो ये दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम। अब कोई भी दो नंबर होंगे इस हिसाब से ये काम करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करें अगर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के पास क्या क्या एडवांटेज होते हैं। कंप्यूटर हाई स्पीड होता है, कंप्यूटर से आप बहुत तेज़ी से कार्य कर सकते हैं, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, मतलब आप मिली सेकेंड्स में कोई भी आउटपुट, कितना भी बड़ा आउटपुट आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मिली सेकेंड्स में, सेकेंडों में ये काम करता है। एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर के अंदर, मतलब ये हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही प्रोड्यूस करता है। तीसरी इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है स्टोरेज की। जैसे आपको एक बुक है, आप एक बुक को अगर स्टोर कर, कुछ कंटेंट है आपका, अब उस कंटेंट को आप एक बुक में स्टोर करना चाहें तो आपको हो सकता है मैक्सिमम बुक आपके पेजेस कवर करे वो, लेकिन अगर स्पेस कवर करेगा बुक कंप्लीट करेंगे आप उस कंटेंट की, फिर उस कंटेंट की जो बुक आप बुक कंप्लीट करेंगे उस बुक को कहीं रखेंगे तो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। लेकिन वही कंप्यूटर में क्या होता है, आपकी फ़ाइल बहुत बड़ी होगी, 500-600 पेज की भी अगर कोई फाइल होगी आपकी या कोई डेटा होगा तो मुश्किल से वो 8-10 MB के अंतर्गत मिनिमम इतने में आ ही जाएगा आपका, ठीक है। ऑटोमेशन नेक्स्ट इसकी जो होती है, ऑटोमेशन होती है, ठीक है। तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो, ठीक है, उसको आसानी से ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है। पाँचवीं इसकी है डिलीजेंस, ठीक है। तो डिलीजेंस का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क को रिपीट कर सकता है कई बार और हर बार सेम रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेगा एक्यूरेट, ठीक है। चाहे जितनी बार आप उसको रन कराएंगे, आप चाहे एक प्रोग्राम को, चाहे जितनी बार कोई एक टास्क है जितनी बार प्रिंट करना चाहे वो करता रहेगा एक्यूरेट, उसी हिसाब से करता रहेगा। फिर नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। तो क्या है कि ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके के टास्क को कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर वर्सेटिलिटी की क्वालिटी होती है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पेपर वर्क को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए पेपर वर्क को रिड्यूस करता है, मतलब इसकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। अब इसके लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन इसकी यही है कि इसको कंप्यूटर को एक क्लियर और कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लियर और कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो ये सही आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दूसरा है इसकी लिमिटेशन, कंप्यूटर कभी खुद से नहीं सोच सकता है, इसको चलाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और जैसे हम लोग एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं चीज़ें देखते हैं और उसको सीखते चले जाते हैं, वैसा कंप्यूटर नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करेगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, कई जगह पूछा जाता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, क्या है, फिर अक्सर आपके CCC के एग्जाम्स में डेटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम के बारे में पूछ लिया जाता है, घुमा करके पूछ लेता है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फर्स्ट क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहलाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो या फिर पूछ लेता है कि इसमें से कौन से एडवांटेज है कंप्यूटर के, इसमें से कौन से एडवांटेज नहीं है कंप्यूटर के, तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से इसमें से पुट अप हो जाते हैं, इंटरव्यू में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब कंप्यूटर के जनरेशन की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो कंप्यूटर के अभी टोटल 5 जनरेशन हैं, ठीक है। तो पहला जनरेशन आपका फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1946 से लेकर के 1954 था। इस जनरेशन में जो कंपोनेंट यूज होता था, अब जनरेशन क्या, जनरेशन की अगर बात करें तो थोड़ा जनरेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जनरेशन क्या है। जनरेशन का मतलब सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जितना समय बढ़ता जाता है समय के साथ साथ चीज़ों में बदलाव भी आते रहते हैं। अब जो बदलाव आते रहते हैं, तो जब कोई बदलाव आता है तो वो न्यू जनरेशन में चला जाता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन था वो 1946 से लेकर के 1954 था। इसमें जो कंपोनेंट यूज किया जाता था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब यूज होता था बेसिकली। इसके बाद सेकेंड जनरेशन हमारा आया 1955 में, जो 1965 तक चला। इसमें जो है कंपोनेंट यूज किया गया था उसका नाम था ट्रांजिस्टर। उसके बाद आपका थर्ड जनरेशन आया 1968 से लेकर के 1975 तक। इसमें IC यूज़ करने लगे। पहले के कंप्यूटर क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, आपने अक्सर सुना होगा एक कमरे का एक कंप्यूटर होता था। तो क्यों होते थे, क्योंकि उसमें सारे कंपोनेंट अलग अलग लगाए जाते थे। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, तो इसलिए उनका साइज भी क्या होने लगा, कम होने लगा। फिर फोर्थ जनरेशन आया 1976 से लेकर 1980 तक। इसमें
VLSI यूज़ करने लगे। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, बहुत ज़्यादा मात्रा में यही यूज होने लगा। फिर फिफ्थ जनरेशन आया 1980 से लेकर के टिल टुडे तक, इसमें हम लोग USI यूज करते हैं और सिलिकॉन चिप यूज करते हैं। अब कंप्यूटर की एटोनॉमी की अगर बात करें तो तीन यूनिट होती हैं बेसिकली कंप्यूटर में। पहली आपकी इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस का काम होता है इनपुट देने का। दूसरा आपकी प्रोसेसिंग होती है जिसको हम लोग CPU बोलते हैं। तीसरा आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ये बेसिकली काम कैसे करता है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद वो इनपुट आपका प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद उसी का आउटपुट जनरेट होता है। तो इन्हीं तीन स्टेप में कंप्यूटर पूरा कार्य करता है। अब एक बार कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देख लें तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, इनपुट दिया गया है। फिर ये आपका जो यहाँ से लेकर के ये पूरा पार्ट आपको दिया गया है, ये आपका CPU का पार्ट है जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, और ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो बेसिकली तीन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस से कोई एक इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई भी एक इनपुट देते हैं। वो इनपुट सबसे पहले आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है जिसमें आपके मेमोरी यूनिट ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है। ये तीन की तीनों चीज़ें आपके किस में पाई जाती हैं, CPU के अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट में आपका आउटपुट आता है। तो जब से पहले आपने कोई इनपुट दिया, अब जैसे दो नंबर हमें ऐड करना है, ए और बी को हमें ऐड करना है, तो ए और बी को हमने यहाँ पे दिया, प्राइमरी में गई, प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले जाएगा, प्राइमरी मेमोरी से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जाएगा। ये चेक करेगा कि कौन सी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है, तो हमें ऐड करना है दो नंबर को, तो ये दो नंबर को ऐड कर देगा। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में जाएगा, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है बेसिकली। फिर इसके बाद ये फिर मेमोरी में चला जाएगा, मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से ये डिकोड होकर के आउटपुट डिवाइस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग यूनिट दी हुए हैं जिनका अलग अलग कार्य है। ऊपर जो ब्लॉक डायग्राम में अभी आपको यहाँ पे दिखाया है उसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है। बिल्कुल, जैसे इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है, रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट मीडिया। इनपुट मीडिया से जो भी आपने इनपुट दिया, जैसे कीबोर्ड से आपने कोई नंबर दिया, माउस से आपने कोई क्लिक किया, तो वहाँ से जो इनपुट होता है उसको कोड करता है कंप्यूटर की भाषा में, उस कंप्यूटर में उससे इनपुट दिया जाता है। फिर CPU के अंदर आपको हमने तीन चीज़ें बताई, मेमोरी यूनिट बताई, ALU बताई और कंट्रोल यूनिट बताई। मेमोरी यूनिट जो होती है ये स्टोर करती है प्रोग्राम और डेटा को, और जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करती है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, एंड ये कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या करती है, ये डिकोड करता है इन्फॉर्मेशन को और अपने ऊपर प्रेजेंट कराता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में, इनपुट और आउटपुट के बारे में आई होप समझ गए होंगे। फिर आ जाते हैं थोड़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, CPU जो होता है, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये पार्ट होता है कंप्यूटर को जो अपने पास सभी प्रकार के इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर के प्रोग्राम को कैरी करता है, रखता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट कराता है प्रोग्राम को, कौन, हमारा CPU। और CPU के अंदर हमारा क्या होता है, सबसे पहले मेमोरी यूनिट होती है, इसको हम लोग प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। जो मेमोरी यूनिट होती है इसको हम लोग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी, इसको हम लोग प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी कहते हैं। इट स्टोर डेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिजल्ट एंड फाइनल आउटपुट, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है डेटा को, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को और इंटरनल रिजल्ट को, फाइनल आउटपुट के, इन सब चीज़ों को ये स्टोर करता है 0-1 के फॉर्म में, ठीक है। 0 का मतलब यहाँ कंप्यूटर में ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। फिर उसके बाद दूसरा हमने आपको बताया था ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये बेसिकली अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन को, अर्थमेटिक प्रोसेस क्या होते हैं, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसको ये करता है। और लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, ट्रू फॉल्स करना कि ये कंडीशन सही है, लॉजिक सही है कि नहीं सही है, तो ये काम इसका होता है ALU का हमारा। फिर आपका कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट मैंने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया होता है, कंट्रोल इनपुट आउटपुट और बाकी जो जितना प्रोसेस होता है CPU के अंदर उसको ये कंट्रोल करता है। फिर
अब बात करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था, इनपुट पढ़ा था, इनपुट के बाद प्रोसेस पढ़ा था, प्रोसेस के बाद आउटपुट पढ़ा था। अब इन तीनों डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोसेस के बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं, अब इनपुट के बारे में देख लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम इनपुट देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं। पहली चीज़ आप समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कीबोर्ड आपका हो गया। कीबोर्ड आपका क्या होता है, ये इस पर कुछ बटन्स दिए होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनपुट देते हैं, जिसमें आपके कुछ अल्फाबेट होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ फंक्शन बटन होते हैं, या कुछ आपके नंबर बटन होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड इसके द्वारा हम टेक्स्ट इनपुट करते हैं बेसिकली। फिर आपका होता है माउस। माउस आपका एक कंट्रोलर के तरीके से काम करता है, और ये कर्सर आपके कंप्यूटर में कर्सर दिया होता है तीर की तरीके से, कुछ इस तरीके से तीर के कर्सर को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको कंट्रोल करता है माउस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं माउस की बात करें तो यहाँ पे जो माउस आते हैं ऑप्टिकल माउस आपके आते हैं होते हैं, ऑप्टिकल माउस के बाद आपके बॉल माउस होते हैं, बॉल माउस के थ्री बटन माउस होते हैं, कुछ इस तरीके के माउस भी पाए जाते हैं यहाँ पे। स्कैनर क्या होती है, स्कैनर एक तरीके की हमारी इनपुट डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम कोई भी पेज स्कैन करके इनपुट के रूप में देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कई बार फोटोकॉपी कराने जाते होंगे तो देखते होंगे जब फोटोकॉपी कराने आप जाते हैं तो जिस पेज की फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो सबसे पहले उस पेज को वो ऊपर रखता है और उस पर एक लाइट चलती है, तो वो जो लाइट चल रही होती है वो स्कैन कर रहा होता है उस पेज को। अब वो स्कैन कर लेता है, फिर उस स्कैन को वो इनपुट के रूप में दे देता है जिसका आप लोग आउटपुट निकालते हो, प्रिंट आउट। ठीक है, इसमें आपका जो सबसे पहले आता है वो ऑप्टिकल स्कैनर होता है, MICR होता है। ऑप्टिकल स्कैनर इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल स्कैनर में आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होते हैं, देखो ऑप्टिकल स्कैनर में हमारे कितने होते हैं, तीन होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर OCR, OMR, OBCR। ठीक है, OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इस तरीके के स्कैनर में जो कैरेक्टर जो होते हैं वो रीड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, और दूसरा जो आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इट इज़ द टेक्नोलॉजी वेयर OMR डिवाइस सेंस द प्रेजेंस और एब्सेंस द मार्क सच एज पेंसिल मार्क। अब देखो आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे, ऑफलाइन एग्जाम देखते होंगे, आप सर्किल करते हैं कहीं पे, रोल नंबर सर्किल कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं रोल नंबर सर्किल करते हैं, तो OMR रीडर क्या होता है, वो उन्हीं डार्क सर्किल को ही रीड करता है, चाहे वो पेंसिल से हो या आपके पेन से हो। फिर आपका होता है ऑप्टिकल बार कोडर रिकॉग्निशन, तो ऑप्टिक OBCR। तो बार कोडर क्या होता है, आपने देखा हो कोई भी प्रोडक्ट आता है उसके पीछे एक लाइनें कुछ बनी होती हैं, तो वो बेसिकली बार कोडर के लिए यूज़ करते हैं। या आप जब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा वो एक लाइट जैसा कुछ आपके प्रोडक्ट पे रखता है, उससे बिल बना देता है उसके बाद में, तो वो आपका क्या होता है ऑप्टिकल बार कोडर रीडर होता है जो कि बार कोड को रीड करता है। अब बार कोड में क्या होता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्कैनर हो गया। दूसरा आपका आता है MICR। ठीक है, MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज़ द कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज टू प्राइमरी बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री। ये बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे चेक वेक में आपने देखा होगा, चेक में आपके नीचे नंबर लिखा होता है, चेक में आपके नीचे कुछ लाइन्स लिखी होती हैं, उनको स्टडी करने के लिए इस तरीके के स्कैनर का यूज किया जाता है। तो आपने वहाँ पे इनपुट के कुछ दिखा दिए आपको। ठीक है, इसके बाद आपका इनपुट में और भी बहुत सी आते हैं इनपुट डिवाइसेस, जॉयस्टिक हो गया आपका, माइक हो गया आपका। तो जॉयस्टिक में क्या होता है, जॉयस्टिक होती है जिससे आप लोग इनपुट देते हो, गेम वेम खेलते हो। माइक होती है जिससे आप लोग बोलते हैं, जिससे मैं अभी बोल रहा हूँ। फिर आपकी नेक्स्ट आती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जिस पे हम लोग आउटपुट लेते हैं, जिस पे मतलब इनपुट देने के बाद जब प्रोसेस हो जाता है तो आपका जो रिजल्ट जिस पे प्रोड्यूस होता है जिसके थ्रू, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर में, मॉनिटर जो होता है एक तरीके की टीवी स्क्रीन होती है और इस टीवी स्क्रीन पे ही आपका आउटपुट दिखाई देता है। ये ब्लैक एंड वाइट हो सकती है या कलर भी हो सकती है, जो कि डिस्प्ले को जो कि डिस्प्ले करता है आपके आउटपुट को। ठीक है, तो
इसको हम लोग वीडियो भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत से तरीके के ये पाए जाते हैं हमारे, LCD, LED, OLED, इस तरीके से होते हैं। फिर बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर यूज ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू पेपर। अब प्रिंटर का यूज क्या करता है, जो भी आपके इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे होती है उस इंफॉर्मेशन को वो पेपर पे उतार देता है पूरा एग्जैक्ट वैसे ही। तो ये किसका काम होता है, प्रिंटर का। तो प्रिंटर के थोड़े टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहला टाइप है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, टाइप दिया है, मोड ऑफ प्रिंटिंग दिया है और स्पीड दी हुई है। तो पहला जो सीरियल नंबर है, पहला जो टाइप है प्रिंटर का, वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका मोड ऑफ प्रिंटर क्या है, प्रिंट द कैरेक्टर इन डॉटेड पैटर्न। मतलब यहाँ पे जो आपके जो प्रिंट होता है वो डॉट के फॉर्म में यूज होता है, कुछ इस तरीके से प्रिंट करता है ये। इसको हम लोग बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो ये 24 पिन का या 9 पिन का होता है, क्वेश्चन में अक्सर पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने पिन का होता है, कितने पिन रिबन यूज करता है, ठीक है। इसकी स्पीड जो होती है वो 200 से 300 के आसपास होती है, 200 300 या 700 के आसपास होती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है टाइप इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट, जेट का मतलब होता है फेक, मतलब अगर बात करें तो ये स्प्रे करता है बेसिकली, वर्क बाय स्प्रेइंग, स्प्रे, ठीक है। ये स्प्रे के द्वारा उसको प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसकी स्पीड 90 CPS के आसपास होती है। फिर लेज़र प्रिंटर आता है, CPS के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। लेज़र प्रिंटर जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, एक पूरे के पूरे पेज को पहले रीड कर लेता है, स्कैन कर लेता है, फिर उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। इसकी जो 6 से 12 के आसपास इसकी स्पीड होती है। फिर आता है लाइन प्रिंटर। तो ये क्या करता है, एक लाइन एक टाइम पे सिंगल करेक्टर इस तरीके से ये प्रिंट करता है, सिंगल करेक्टर को प्रिंट करता है। इसकी जो होती है वो 300 से 6 LPM होता है। LPM यहाँ पे लाइन पर मिनट है, ऊपर PM है, मतलब पॉइंट आपको बोल सकते हैं, इसको हम लोग पेज पर मिनट बोल सकते हैं, ठीक है। ऊपर फिर CPS दिया हुआ है, करेक्टर पर सेकंड बोल सकते हैं, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है CPS का मतलब करेक्टर पर सेकेंड, PPM का मतलब पेज पर मिनट, LPM का मतलब लाइन पर मिनट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आपकी प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया। अच्छा, आउटपुट आपका आ गया, मान लो कि आपने इनपुट दिया, इनपुट के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद आउटपुट आ गया। अब क्या ज़रूरत पड़ेगी, अब उस आउटपुट को रखने के लिए हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम लोग मेमोरी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी इसको हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो कोई भी मेमोरी जो स्टोरेज यूनिट होती है उसको किस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करते हैं कंप्यूटर में, देख लेते हैं। सबसे पहले उसके एक्सेस टाइम पे, ठीक है, तो कितना टाइम लेता है वो एक्सेस करने के लिए, उस पर करते हैं। फिर स्टोरेज कैपेसिटी उसकी क्या है, और दूसरा कॉस्ट पर बिट स्टोरेज कितनी आ रही है, एक बिट में कितना कवर कर रहा है, कितना कॉस्ट आ रही है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको करते हैं। तो अब मेमोरी की यूनिट हम लोग कैसे करते हैं, तो एक यहाँ पे देखो यूनिट दी हुई है, बिट होती है सिंपल 0 और 1। जो आपकी बिट होती है वो होती है 0 और 1 के फॉर्म में। वन बाइट जो आपका होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, एक बाइट आपका 1 बिट के बराबर होता है। और 1 किलोबाइट आपका जो होता है 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट जो होता है वो 1024 KB के बराबर होता है, किलोबाइट के। 1 गीगाबाइट जो होता है 1024 MB के बराबर होता है। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। फिर आता है आपका TB, टेट्राबाइट, पेटाबाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। फिर आप मेन आपका आता है कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्जन में अगर बात करें, ASCII एक टॉपिक है आपका, ASCII यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं। ASCII क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब ASCII क्या है,
एक कोड है इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर जो है हमारी वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, मतलब जीरो और वन ही समझता है, इसके सिवा कंप्यूटर कुछ और नहीं समझता है। लेकिन क्या है कि जीरो वन के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देने में काफ़ी दिक्कतें आती थी और उसको समझना भी काफ़ी टफ होता था, काफ़ी लोग उसको काम नहीं कर पाते थे उस पर। तो ASCII कोड आया। ASCII कोड में क्या होता था, जितने भी आपके ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट हैं और जितने भी आपके नंबर्स हैं जीरो से लेकर नाइन तक के नंबर्स हैं, कुछ सिंबल्स थे, उनको एक कोड दे दिया गया। ठीक है, अब ये कोड आपको कैसे दिया गया, ये कोड दिया गया ASCII 7 और ASCII 8 पे। ठीक है, ASCII 7 128 बिट का होता है और ASCII 8 जो आपका होता है वो 256 बिट का होता है। ठीक है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जब हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम इसको कायदे से डिफाइन करेंगे आपको। फिर अगर बात करें टाइप्स ऑफ मेमोरी की, तो मेमोरी दो तरीके की होती हैं। पहले होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपकी वो इंटरनल मेमोरी भी कहलाती है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पे ही आपका जो है डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, डेटा आपका सारा यहीं पे स्टोर रहता है। फिर इसके बाद यहीं से डेटा को कॉल किया जाता है जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसको सीपीयू के द्वारा आसानी से एक्सेस किया जाता है, जल्दी एक्सेस किया जाता है और स्टोर किया जा सकता है और रीड किया जा सकता है। ठीक है, इसमें दो मेमोरी जो आपकी होती हैं, रैम और रोम, ये दो मेमोरी आपके बेसिकली इसमें आती हैं। रैम जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम जो होती है वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसको हम लोग रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ रीड करने के काम में आती है। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम द रिटन ऑन टू इट। रैम इज अ प्लेस इन अ कंप्यूटर दैट होल इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर इज प्रोग्राम एंड द डेटा। तो बेसिकली क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है बेसिकली। इसका यूज किया जाता है तब जब हम कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं, तो रन कराते वक्त जो प्रोग्राम आपका रैम पे ही आके प्रोसेस करता है, इसमें कोई भी इसमें अगर बात करें तो इसमें कोई भी स्टोरेज नहीं होती, इसमें डेटा स्टोर नहीं होता है। अगर आप इसमें डेटा स्टोर करेंगे तो टेम्परेरी ही डेटा स्टोर करेंगे, क्योंकि एक बार सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा तो रैम में कोई भी डेटा नहीं बचेगा और सिस्टम आपका डेटा आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है डेटा को, कहाँ रैम से डेटा को एक्सेस करता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, टेम्परेरी होती है। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर जब रन करता है, वर्क कर रहा होता है, तभी ये काम करती है। रोम जो होती है आपकी वो होती है रीड ओनली मेमोरी, इसमें रीड और राइट दोनों हो सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, ये परमानेंट आपके इंस्ट्रक्शन को आपके डेटा को स्टोर कर सकती है। आपका सिस्टम अगर बंद भी हो जाएगा तब भी इसमें रखा हुआ डेटा लॉस नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। ये वो मेमोरी होती है जो एक्सटर्नली यूज की जाती है कंप्यूटर के साथ में, जैसे आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में आपके लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी एक्सटेंडेड, ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्लॉपी डिस्क के बाद आपकी हार्ड डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क भी एक तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क के बाद में आपका सीडी रोम हो गया, सीडी रोम कंपैक्ट डिस्क होता है जो कि दो प्रकार के होते हैं, CDR, CDRW। CDR होता है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW होता है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDR क्या होता है, डेटा कैन बी रिटन ऑन टू इट जस्ट वंस। ठीक है, मतलब इसमें एक बार ही डेटा को सेव किया जा सकता है, और जो CDRW होता है उसको रीराइट, मतलब क्या होता है, डेटा को इरेज करके दोबारा हम इसको क्या कर सकते हैं, डेटा को राइट